वेलकम टू अध्ययन वर्ल्ड चैनल। इस चैनल में आपको जो है केमिस्ट्री का कुछ लेक्चर दिया गया है और आज का जो सेशन है हम लोगों का उसमें हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग एटीट्यूड, क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रेटजी पे जोड़ देंगे कि हम किसी भी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट बॉक्स में आता है कि सर हम लोग पढ़ तो लेते हैं क्लासरूम में, समझ भी लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन बनाने के लिए बैठते हैं तो क्वेश्चन बनाने में ये पता नहीं चलता कि हम कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें। तो इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करने का हम टेक्निक बताएंगे और वो भी टेक्निक हम बुकिश टेक्निक हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग जो समझते हैं किसी भी टॉपिक को उससे हम लोग एक लेटेस्ट टेक्निक को डेवलप करेंगे और बड़ा ही ट्रिकी मेथड में क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज का जो सेशन में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चन हैं, क्लास 12 केमिस्ट्री के एनसीईआरटी बुक के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, क्योंकि हम लोग अभी पार्ट ए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वीडियो आपको डिटेल्स चार लेक्चर में दिए हैं और इस चार लेक्चर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक में दिया गया है उसको हम आपके लिए सेलेक्ट किए हैं और उसको बनाने का हम लोग क्राइटेरिया लेते हैं। चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसमें तीन तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में आपको देखने को मिलता होगा। पहला क्वेश्चन आप देखते होंगे कि जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते टॉपिक के बीच में ही बुक यानी पेज के बीच में ही आपको एक बॉक्स में दिया रहता है, या तो वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन होता है सॉल्व किया हुआ या फिर एग्जाम्पल रहता है, और एक क्वेश्चन होता है आपको एक्सरसाइज में। तो हम तीनों तरह के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और वो भी सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो टॉपिक हमने आपको पढ़ा दिया है। पार्ट ए लेक्चर में जो ए वन लेक्चर है, पार्ट ए में 1, 2, 3, 4 चार लेक्चर में हमने बात किया सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस पे, फराडे लॉ पे। तो फराडे और इलेक्ट्रोलाइसिस पे आधारित आज हम सवाल को सॉल्व करेंगे सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन बैंक से। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों देखिए ये पहला क्वेश्चन है आपको, फराडे लॉ पे आधारित सवाल है। फराडे लॉ हम लोग डिस्कस किए थे इलेक्ट्रोलाइसिस में। देखिएगा एग्जाम्पल 3.10 में, ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है उसको पढ़िए और ज्यादा उस पर स्ट्रेस नहीं लेना है कि इंग्लिश में लिखा है कि हिंदी में लिखा है कि उर्दू में कि फारसी में, कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन पे सीधा देखिए निकालना क्या है। तो देखिए कह रहा कि एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं और 10 मिनट के लिए हम लोग 1.5 एम्पियर करंट उसमें पास कर रहे हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज फॉर 10 मिनट्स विथ ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड एट द कैथोड। यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन का सोल्यूशन है ये फराडे लॉ पे बेस्ड है। किस पर बेस्ड है इसका सॉल्यूशन? तो कहेंगे सर बेस्ड ऑन फराडे लॉ। तो इस क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन फराडे लॉ पे आधारित है, सबसे पहला पॉइंट। तो सबसे दिमाग में भाई ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है? तो फराडे लॉ से। फराडे लॉ में कहता क्या है कि हमने एक सॉल्यूशन ले लिया, इसमें कॉपर सल्फेट डाल दिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और इसमें हम लोग इलेक्ट्रोड डाल और इसमें बैटरी लगा करके एक्सटर्नल पोटेंशियल्स लगा करके हम लोग इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू किए और ये इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया टाइम जो है 10 मिनट तक के लिए, और कितना एम्पियर करंट देकर के, और करंट जो है इसमें 1.5 एम्पियर हम लोग पास किए। ठीक है, तो जैसे ही पास करेंगे तो इसमें कॉपर डिपोजिट होने लगेगा। क्या डिपोजिट होने लगेगा? कॉपर, क्योंकि पढ़े थे कि कॉपर डिपोजिट होगा। तो कॉपर जो डिपोजिट होगा कितना कॉपर हमें मिलेगा यही पूछ रहा है कि व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड एट द कैथोड। तो फराडे का जो यहाँ पे यूज फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, ये पढ़े थे फार्मूला फराडे लॉ का, डिपोजिटेड वेट ई इक्विवेलेंट वेट इनटू आई इनटू टी बाय 96,500। याद है आपको फार्मूला? ये पढ़े थे हम लोग थर्ड लेक्चर में, पार्ट ए के थर्ड लेक्चर में। ई उसका इक्विवेलेंट वेट होता है, आई करंट कितना पास किए, टी टाइम जो सेकंड में लेते हैं, और ये देखिए कॉपर डिपोजिट हो रहा है इसमें। क्या बेटा क्या डिपोजिट हो रहा है? कॉपर। तो हम लोग इक्विवेलेंट वेट किसका लेंगे इसमें? तो इक्विवेलेंट वेट लेंगे कॉपर का। आपको अगर इक्विवेलेंट वेट नहीं भी पता है तो आप सीधा एटॉमिक वेट बाय बैलेंस ही कर लीजिए। कॉपर का एटॉमिक वेट होता है 63.3 बाय बैलेंसी 2, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस 2 चार्ज है, बैलेंसी 2 होता है। तो ये लगभग आपको 31 समथिंग जो हो जाएगा ये 6 के लगभग में इसका इक्विवेलेंट वेट। ओके, आई देखिए करंट दिया हुआ है तो अब सब वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, 30.6 इंटू करंट कितना है 1.5 एम्पियर, और टाइम हमेशा ध्यान रखिए बच्चे टाइम को सेकंड में रखना है। अगर गलती कर दिया आप, लापरवाही कर दिए जल्दीबाजी में, तो फिर आप गए काम से। तो टाइम देखिए 10 मिनट है, तो आप क्या करेंगे मिनट को सेकंड बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिए और फिर इसको आप डिवाइड कर दीजिए। देखिए वेरी फास्ट,
आपको तुरंत कैलकुलेशन आ जाएगा, है ना। बस ये क्वेश्चन डायग्राम मिल गया, इसमें जो कॉपर आपको मिलेंगे इसे सॉल्व करके देखिए आप, तो ये जो आपको वैल्यू मिलेगा तो ये आप सारा वैल्यू 0.29378 ग्राम कॉपर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पेज नंबर 86 देखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पेज नंबर 86 में 3.10 नाम का एक क्वेश्चन नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन आपको सिंपली कहता है कि हमें बताइए कितना इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो कर रहा है। देखिए क्वेश्चन कहता है इफ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर फ्लो थ्रू ए मेटेलिक वायर फॉर 2 आवर्स। एक मेटेलिक वायर है जिसमें 2 घंटे के लिए करंट 0.5 एम्पीयर पास कर रहा है, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर, यानी उस वायर से इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी फ्लो की। सिंपली मतलब करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो किया। तो सबसे पहले आप कुछ मत कीजिए, आप चार्ज निकाल लीजिए। चार्ज होता है I into T। I करंट दिया हुआ है देखिए 0.5 एम्पीयर इनटू टाइम कितना है आपके पास, देखिए टाइम दिया हुआ है कितने 2 आवर, सेकंड में रखना है तो 2 into 60 into 60, ठीक है। तो ये आपको आ गया चार्ज, इसको आप कैलकुलेट कीजिए, तो ये यू विल गेट 3600 कूलम्स, यानी टोटल चार्ज आपको कितना आ जाएगा कूलम्स, राइट। अब देखिए इतना कूलम्स के लिए आपको कितना जो है 3600 कूलम्स है, इतना चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसको पहले हम लोग मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में बदल देते हैं, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में बदल देते हैं। देखिए टोटल चार्ज जो होगा कूलम्स में, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 96,500 से, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या मोल में आ जाएगा। देखिए कितना आपने चार्ज निकाला, 3600 डिवाइडेड बाय 96,500, यानी 96,500 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये मोल में इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी। ये देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या मोल में आ गया 0.373 मोल, गॉट इट। अब चलिए लेकिन हमें पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या पूछा है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग निकालें तो क्या करेंगे, मोल जो दिया हुआ है 0.373, ये मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10^23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा 2.24 इंटू 10^23 इलेक्ट्रॉन, यानी आपके इस सर्किट में इस सिचुएशन में इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे उसी पेज नंबर का उसी इंडेक्स में है, और वो क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो क्वेश्चन 3.11 पे एक क्वेश्चन दिया गया था, ये भी क्वेश्चन फराडे लॉ पे है, इलेक्ट्रोलाइसिस पे, ठीक है। सजेस्ट ए लिस्ट ऑफ मेटल्स दैट आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलाइट, करेक्ट, वह मेटल को आप सजेस्ट कीजिए, लिस्ट बनाइए जो मेटल हम इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा ही उसको एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल होता है मेटलर्जी में, तो कुछ मेटल जिसका कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल है जैसे एस ब्लॉक का, उसका एक्सट्रैक्शन, उसका रिडक्शन उसके ओर से हम इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड होते हैं, कार्बन रिडक्शन मेथड मेटलर्जी में पढ़ेंगे, तो सिर्फ उसी मेटल को हम इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसके ओर से जो मेटल मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। यूं मान के चलिए जो मेटल एल्युमिनियम से ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जो एस ब्लॉक के अधिकतर एलिमेंट है, कौन कौन है बच्चे ध्यान रखिए, तो पहला एलिमेंट आ जाएगा लिथियम, इसको हम इलेक्ट्रोमेटलर्जी से ही इलेक्ट्रोलाइसिस से ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा एलिमेंट है आपको सोडियम मेटल है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नेशियम, ये कुछ एल्युमिनियम, ये कुछ मेटल है जिसका मेटलर्जी हम एक्सट्रैक्शन किस मेथड से कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकली इलेक्ट्रोलाइटिकली हम यूज कर इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में। कैसे करते हैं वो हम लोग मेटलर्जी में पढ़ेंगे। चलिए ये क्वेश्चन का जवाब आपको ये हुआ, लिथियम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। चलिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए, वही इंडेक्स पेज नंबर 92 में आपको ये है 3.12। ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन के लिए हम आपको ट्रिक्स दे देते हैं, जब भी किसी बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शंस में कितना चार्ज यूज होगा उसको रिड्यूस करने में या ऑक्सीडाइज करने के लिए, तो इसके लिए आप ट्रिक्स फार्मूला याद रखिए। हम एक फार्मूला से चार्ज रिक्वायर्ड, क्यू इज द चार्ज, इसको हम एक फार्मूला से एन इंटू एक्स इंटू एफ, ये फॉर्मूला है जिससे आप किसी भी बैलेंस रिएक्शन में, खास करके रिडॉक्स रिएक्शन में जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होता है, तो किसी भी रिएक्शन में कितना चार्ज जरूरत है हमको उसको रिड्यूस करने में या ऑक्सीडाइज करने में, उसके लिए इस फॉर्मूला को याद रखिए। इस फॉर्मूला को यदि चार्ज का रिक्वायरमेंट, इफ चार्ज रिक्वायर्ड चार्ज जो होगा, इफ
रिक्वायर्ड चार्ज इन कुलंब हो, यानी आपको कुलंब में मांगा गया हो, तो आप क्या कीजिएगा, ये तो n इंटू एक्स इंटू 96,500 ये यूज कीजिए। लेकिन यदि रिक्वायर्ड चार्ज इन फराडे हो, कई बार फराडे में दिया रहता है, पूछता है, तो आप क्या करें, सिर्फ n इंटू एक्स इंटू एफ लगा दें बस। तो करने का मतलब किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस रिडॉक्स रिएक्शन है, किसी भी को ऑक्सीडाइज होने में या रिड्यूस होने में कितना चार्ज की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन चार्ज ही है, तो उसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। आपको सर इसमें ये एन क्या है, देखिए एन जो है यहां पे है मोल ऑफ द सब्सटेंस जिसको आप ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, कितना मोल है। ओके अच्छा, उसके बाद इसमें एक्स क्या है, एक्स होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन बैलेंस्ड रिएक्शन, उसी में चेंज इन बैलेंस रिएक्शन में। और एफ जो है, ये एफ, एफ को हम लोग बोलते हैं फराडे, वन फराडे चार्ज, चार्ज जो होता है 96,500। ओके, तो जब भी आपको ऐसे सवाल रहे कि एक मोल, दो मोल, चार मोल किसी भी केमिकल सब्सटेंस को रिड्यूस करने में या ऑक्सीडाइज करने में कितनी चार्ज की जरूरत होगा, तो बच्चे इस फॉर्मूला को आप याद रखिए। इस फॉर्मूला का दो फॉर्मेट, यदि चार्ज कूलम के रूप में पूछे तो ये लगा दीजिए एन इंटू एक्स इंटू 96,500, और अगर यदि चार्ज फराडे में पूछे तो यहां देखिए तो क्वेश्चन में क्या क्या, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम, कूलम में पूछा है, नीड जरूरत है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। ओके तो फट से हम लोग क्या कर देंगे, इसको मिटा देते हैं, आप पॉज करके लिख लीजिए, छोड़ दो बंद करो। चलिए तो इस क्वेश्चन देखिए 3.12 में हमें पूछ रहा है कितना चार्ज कूलम में बताइए जरूरत है, नीड है, क्या करने के लिए भाई, एक मोल Cr2O7 को हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो क्या फॉर्मूला इसमें लगेगा सॉल्यूशन में, फटाक से फॉर्मूला यूज कर दीजिए। देखिए ट्रिक्स बताते हैं, ज्यादा लर्न फन लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में टाइम नहीं होता है, सिर्फ आपको तो क्यू चार्ज बराबर निकालना है एन इंटू एक्स इंटू 96,500, क्यों, क्योंकि चार्ज आपको कूलम में मांग रहा है। एन कितना मोल, देखिए एक मोल, एक्स कितना चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, देखिए यहाँ पे ये +6 में है, यहाँ पे +3 चला गया, 6 से 3 चेंज 3 हुआ, लेकिन देखिए फॉर्मूला में 2 क्रोमियम है तो चेंज 6 हो जाएगा, तो 6 इंटू गॉट इट, आंसर कितना चार्ज आपको देना पड़ेगा, तो आंसर देख लीजिए, इसका आंसर होगा 579,000 कूलम, यही चार्ज की जरूरत है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फराडे लॉ से आधारित सवाल जो है एक्सरसाइज में भी है, ध्यान रखिए अभी तक जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया वो एग्जांपल या इंडेक्स में था जो टॉपिक के साथ था। फराडे लॉ से क्वेश्चन यानी कितना चार्ज की जरूरत है, कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, एक्सरसाइज में है, एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन पेज नंबर 92 पे है, 3.12 क्वेश्चन आप देखिएगा एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। कह रहा है हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन, कितना चार्ज चाहिए। अभी हम लोग जस्ट आपको बताया जब भी चार्ज की जरूरत आपको महसूस हो कि कितना चाहिए बैलेंस रिएक्शन में एन इंटू एक्स इंटू एफ फराडे में कूलम के लिए, तो देखिए यहाँ पे n क्या है मोल है, x क्या है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कह रहा है हाउ मेनी चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन, किसको रिडक्शन कर रहे हैं आप, एल्युमिनियम +3 से एल्युमिनियम में जा रहे हैं, कॉपर +2 से कॉपर में जा रहे हैं, Mn पर मैग्नेट है से आप Mn +2 में जा रहे हैं, सब में एक मोल है, तो बताइए इसका हम जवाब क्या करेंगे। देखिए चार्ज यहाँ पे कितना जरूरत होगा, तो n मोल है तो मोल एक मोल दिया है इसमें, कितना हाउ मेनी मोल, वन मोल। अच्छा चेंज कितना है, देखिए +3 से 0 पे है यानी चेंज 3 है, और एफ का मान 96,500 ये हो गया, कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए यहां पे देखिए ये भी कितना है, इसके भी रिडक्शन में कॉपर +2 को कॉपर में रिड्यूस करेंगे, कॉपर +2 को कॉपर में रिड्यूस करेंगे, तो देखिए यहां पे भी कितना होगा, तो सबसे पहले एक मोल है, हाउ मेनी मोल, वन मोल। अच्छा इसमें चेंज कितना है, +2 से 0 यानी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एक्स जो बोले चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये कितना हो गया 2, और 96,000 फट से आ गया, ये सब कूलम में आ रहा है। चलिए यहां पे देखिए वन मोल, अब देखिए यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा आयन है, ओके पर मैग्नेट, यहां पे Mn +7 स्टेट में, कौन सा स्टेट में है प्लस, और ये यहां पे Mn +2 में चला गया, तो चेंज 5 का है, चेंज कितना का बच्चों, 5 का है, देखिए पर मैग्नेट से Mn +2 में गया, चेंज 5 का है, तो x का वैल्यू यहां पे कितना होगा 5, तो बताइए यहां पे क्या हो जाएगा, कितना चार्ज लगेगा, तो एक मोल इंटू 5, पलक झपकते आपको जवाब मिल गया, करेक्ट
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उसी एक्सरसाइज का फराडे लॉ पे ही आधारित क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी कितना चार्ज लगेगा, कितना वेट मिलेगा, ये सारी क्वेश्चन फराडे लॉ पे होता है। देखिए ये भी 3.13x क्वेश्चन नंबर है, पेज नंबर 92 पे कह रहा है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फराडे। अब देखिए यहाँ पे आपको चला कि क्या क्या एनसीईआरटी बुक में, इससे पहले जो चार्ज रिक्वायर्ड निकाले वो कूलम में पूछ रहा था, अब यहाँ पे फराडे में पूछ रहा है। किसमें पूछ रहा है बच्चों? फराडे में पूछ रहा है, ठीक है। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, हमें जो भी अब चार्ज आप बताइए वो फराडे में बताइए। किसमें बताइए? फराडे में। तो देखिए इससे पहले एन इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू एन इंटू एक्स इंटू एफ, ठीक है बच्चे। अब देखिए एफ यहाँ पे अगर हम एफ ही रहने दें 96,500 कूलम्स ना रखें तो चार्ज हमें फराडे में आएगा। यहाँ पे एन मोल चाहिए, लेकिन यहाँ पे चला कि क्या वेट ले दिया है, कोई बात नहीं, टेंशन की बात ही नहीं है। आपको क्या करना है, चार्ज चाहिए फराडे में, यानी एफ मतलब फराडे, तो आप इसको वेट दिया हुआ है मोल में बदल दीजिए। तो 20 ये इसका वेट है और कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 होता है, देखिए मोल हो गया, और इनटू चलिए अब कितना चेंज है ऑक्सीडेशन नंबर, देखिए यहाँ पे प्लस 2 से ये 0 में आएगा, तो चेंज 2 आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कितना हुआ 2, और इनटू फराडे कर दे फटाक से, ये देखिए कितना हो गया, तो ये 2 ये कैंसिल, तो 1 फराडे, यानी 1 फराडे हमको चार्ज चाहिए, आंसर आ गया इसमें। दूसरा हम देखिए 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3, यानी हमें एल्यूमिनियम चाहिए, क्या चाहिए? एल्यूमिनियम। किससे बनाया है एल्यूमिनियम? Al2O3 से। तो देखिए यहाँ पे प्लस 3 है, यहाँ पे 0, तो x हम कितना मान लेंगे? 3, x कितना मान लेंगे? 3, और n 40 ग्राम है, n कितना हो जाएगा? मोल, n क्या बच्चे? मोल है। तो मोल कैसे निकालते हैं? तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वेट बाय अगर एलिमेंट है तो एटॉमिक वेट, वेट कितना है 40 ग्राम और एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट 27, ओके तो ये आपको वेट हो गया। हमें अब हमें इसमें क्या निकालना है, क्यू फराडे में, तो क्या करेंगे 40/27 इंटू 3 इंटू एफ, ये हो गया जवाब आपको फराडे में। अब देखिए इसका आंसर जो आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 4.44 फराडे, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 फराडे, यहाँ पे करेक्ट। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं आपको उसी पेज से, 92 पेज नंबर से एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, 3.14 भी फराडे बेस्ड पे सवाल है, जो जो फराडे लॉ पे बेस्ड सवाल है उसको मैंने कलेक्ट किया है इस सेशन में। देखिए कह रहा है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम, देखिए फिर कह रहा है कूलम में, इससे पहले फराडे में, कूलम में क्या करना है, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ, यानी हमें इसको ऑक्सीडेशन करना है, जो चार्ज कितना चाहिए कूलम में बताइए। अभी अभी हम सीखे कि अगर चार्ज हमें कितना चाहिए तो एन इंटू एक्स इंटू एफ, ये फार्मूला ट्रिक्स फार्मूला, इसको याद रखिए, रिएक्शन को देख करके आप फट से पता कर सकते हैं। एन मोल है, एक्स चेंजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, एफ फराडे, यहाँ पे चार्ज कूलम में पूछा है तो फट से आप यूज कर देंगे एफ की जगह पे 96,500। चलिए अब हमें देखना है एक मोल दिया हुआ है एन, तो H2O से O2 बना, क्योंकि हमें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर की, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन रिएक्शन से पहले वाटर में है, -2 में है, ऑक्सीजन 0 में आ गया, देखिए इसका चेंज कितना आ गया, कितना आ गया चेंज, तो देखिए -2 से 0, तो -2 से 0 आ गया, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आपको 2 का है, और हमें एक मोल वाटर, तो एक मोल वाटर में 2, तो देखिए यहाँ पे फट से हमें क्यू कूलम में आ जाएगा, कितना मोल है 1 इंटू चेंज कितना हो गया 2 इंटू 96,500, ये आपको आ गया। इसमें देखिए क्या हुआ है, इसमें आपको यानी 1 मोल ऑफ FeO, देखिए इसको आपको कन्वर्ट किया गया है किसमें, Fe2O3 में, देखिए यहाँ पे ये +2 में है और यहाँ पे ये +3 में है, आयरन यहाँ पे +2 में है, आयरन यहाँ पे +3 में, चेंज कितना है 1 का, ये भी कितना है 1 मोल, हाउ मेनी मोल 1 मोल, तो बताइए इसमें चार्ज कूलम में कितना होगा, यही फॉर्मूला n 1 मोल और x चेंज कितना है +2 से +3 1 है और इनटू 96,500 कूलम, बस हो गया बस, इज करेक्ट। तो दो फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट, यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए बच्चे, ये जो दिया हुआ है ये भी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, पेज नंबर 92 पे ही है, ये भी फराडे लॉ पर ही आधारित है, 3.15 याद रखिए, बुक में देख लीजिएगा 3.15। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए सॉल्यूशन ऑफ निकेल नाइट्रेट, निकेल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स यूजिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पीयर फॉर 20 मिनट्स, व्हाट मास ऑफ निकेल इज डिपोजिटेड, मतलब हो गया कि सॉल्यूशन किसका लिया गया है, निकेल नाइट्रेट का, निकेल नाइट्रेट का, ओके ये सॉल्यूशन है, और इसमें किसको, प्लेटिनम वायर, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड को, यानी प्लस माइनस, ये किसका है, प्लेटिनम का है एनोड, प्लेटिनम का है कैथोड। अब कह रहा है इसपे जैसे करंट पास करेंगे तो इसपे क्या जाएगा, निकेल डिपोजिट होगा, क्या डिपोजिट होगा, तो डिपोजिटेड वेट के लिए फर्स्ट लॉ, फ्रॉम फर्स्ट लॉ फराडे,
कहां से निकालेंगे? फ्रॉम फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या था याद होगा आपको, W इज इक्वल टू ई इंटू आई इंटू टी बाय 96,500। बड़ा सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कहीं पे कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ई इक्वेलेंट वेट लेंगे निकल का, इक्वेलेंट वेट निकल का अगर मान लो हमको नहीं पता है तो इक्वेलेंट वेट हम किसी का भी निकाल सकते हैं। कैसे? तो उसका एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी ले लेंगे। एटॉमिक वेट निकल का जो होता है 58.7। अब बाय वैलेंसी देखिए यहाँ पे प्लस टू चार्ज है ना, तो टू, तो ये हो गया इसका इक्वेलेंट वेट। आई करंट का मान दिया हुआ है 5 एम्पियर, देखिए 20 मिनट, पुट कर दीजिए सारा वैल्यू। 58.7 इंटू आई कितना हो गया 5 एम्पियर, टाइम कितना हो गया 20 मिनट, लेकिन आप इसको सेकेंड में बदल दें और इसे 96,500, और चूंकि यहाँ पे देखिए 2 इसका वैलेंसी फैक्टर है तो यहाँ पे 2 लगा दें, तो ये आपको वेट ऑफ निकल आ जाएगा। इसे कैलकुलेट कीजिए तो आपको कितना 1.824 ग्राम निकल मिलेगा, इस पर 1.824 ग्राम निकल मिल जाएगा आपको। ओके, चलिए एक्सरसाइज का ही फराडे लॉ पे आधारित 3.16 नंबर क्वेश्चन है। इसको भी आप देखेंगे थोड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा हार्ड लेवल नहीं, थोड़ा सा है। इसमें क्या कह रहा है कि 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, 3 सेल है हम लोग के पास, कितना सेल है 3 सेल। एक सेल इसको ए सेल नाम रखा गया, इसको बी सेल, इसको सी, तीनों को ए बी सी नाम रख दिया गया। इसमें भी सॉल्यूशन है, इसमें भी सॉल्यूशन है, इसमें भी सॉल्यूशन है। कहता है ए सेल में जो सॉल्यूशन है वो आपको ZnSO4 है, बी सेल में जो सॉल्यूशन है वो Ag2SO4 है, और सी में जो है वो कॉपर सल्फेट, राइट। तीनों में सॉल्यूशन है। अब तीनों में हमने इलेक्ट्रोड को डुबा करके और तीनों में हमने क्या किया, इसको सीरीज में, कह रहा है क्वेश्चन में कि हमने इसको सीरीज में जोड़ दिया। इसमें जोड़ दिया सीरीज में। जैसे ही हम सीरीज में जोड़ते हैं तो रूल कहता है, फिजिक्स आप पढ़े होंगे, सीरीज में करंट का मान सब में सेम हो जाएगा, तो सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। तो इसमें क्या होगा, इस पर जिंक जाएगा, इस पे क्या होगा, इस पे Ag जाएगा, इस पे क्या होगा, इस पे कॉपर जाएगा, सब पे डिपोजिटेड है। तो इस पे हमें कह रहा है वेट ऑफ जिंक कितना होगा, यानी पूछ रहा व्हाट मास ऑफ कॉपर, वेट ऑफ कॉपर कितना आएगा ये भी पूछ रहा आपसे। लेकिन Ag का वेट दिया हुआ है कि जितना टाइम में Ag आपको 1.45 ग्राम आएगा उतना में ही, तो Ag का वेट दिया हुआ है, टाइम पूछा है, क्या पूछा है इसमें टाइम कितना लगा, व्हाट गेट इट। देखिए सबसे पहला इसमें इस क्वेश्चन में 3 पार्ट है। हाउ लॉन्ग डिड, देखिए हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कितना करंट, कितना समय के लिए करंट फ्लो करेगा ताकि 1.45 ग्राम Ag इस पे मिल जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूला फराडे लॉ का यूज करना पड़ेगा। W इज इक्वल टू E इंटू आई इंटू टी बाय 96,500। देखिए यही फार्मूला है, इससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए क्या हो जाएगा, वेट, किसका वेट दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 1.45 ग्राम आपको 1.45 ग्राम सिल्वर है, तो वेट ऑफ Ag इंटू 96,500 अब बाय इसमें क्या हो जाएगा आपको E इंटू आई, राइट। अब वेट ऑफ Ag कितना डिपॉजिट हुआ है देखिए, तो 1.45 इंटू 96,500 और डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट Ag का कितना होता है, देखिए Ag का एटॉमिक वेट होता है 108, वैलेंसी 1, तो 108 ही होगा, तो 108 और इंटू करंट कितना हो गया भाई, कितना करंट पास किया है आपने, देख लीजिए करंट का मान दिया हुआ है आपको 1.5 एम्पियर। बस इसमें टाइम निकल जाएगा, इसका टाइम निकाल के देखिए Ag को कितना टाइम लगा, तो इसका टाइम जो आपको मिलेगा ये टाइम हो जाएगा 863.7 सेकेंड, या किताब लिखेगा 864 सेकेंड, इतना समय लगा। ओके, इसी क्वेश्चन का दूसरा पहलू क्या कर रहा है कि तीनों में आपने सेम करंट पास किया, तो Ag को डिपॉजिट 1.45 ग्राम डिपॉजिट होने में 800 लगभग 863 सेकंड लगा, निकाल के टाइम। अब कह रहा है जितना टाइम में ये इतना मिला उतना में कॉपर कितना मिलेगा और जिंक कितना मिलेगा, यानी Ag के साथ कंपेयर करना है जिंक को और कॉपर को। तो सेकंड लॉ, फ्रॉम सेकंड लॉ आपको याद होगा, क्या याद था, W1 by W2 इज इक्वल टू E1 by E2, यही लगा दीजिए क्योंकि सेम करंट जा रहा है। एक बार हम कंपेयर करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, यानी W1 इज द वेट ऑफ कॉपर विथ रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ Ag, Ag का वेट कितना है 1.45 ग्राम, देखिए अब यूज कर दीजिए, तो W1 वेट ले लेते हैं Ag का वेट, अब बाय W2 वेट ले लेते हैं आप किसका निकालना भाई, कॉपर का, इक्वाइलेंट वेट कितना ले लेंगे Ag का, अब बाय इक्वाइलेंट वेट किसका ले लेंगे, कॉपर का। अब देखिए हमें इक्वाइलेंट वेट Ag का मालूम है, कॉपर का मालूम है,
फट से यूज कर देंगे, वेट ऑफ कॉपर निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा, इक्वल वेट ऑफ एजी इनटू इक्वलेंट वेट ऑफ कॉपर अप बाय इक्वलेंट वेट ऑफ एजी। एक जगह कम है, बस अब आप सारा डाटा यूज कर दीजिए। तो जैसे हमें वेट ऑफ कॉपर निकालना है तो वेट ऑफ एजी कितना, देखिए 1.45 ग्राम, और इक्वेलेंट वेट ऑफ कॉपर कितना होता है नहीं मालूम है, एटॉमिक वेट आपको याद होगा 63 पॉइंट मान लीजिए 5, और बाय इक्वेलेंट वेट एजी का 108, और इसका 63.5 एटॉमिक वेट है, दो से डिवाइड कर दीजिए, ये कैलकुलेट कीजिए, वेट ऑफ कॉपर आ जाएगा, वेट ऑफ कॉपर आपको मिलेगा, कैलकुलेट करके देखिए आंसर, तो 0.426 ग्राम, ये देखिए कॉपर का वेट आ गया केजी के रिस्पेक्ट में। तो फिर हम कंपेयर कर देंगे जिंक के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, देखिए जिंक के रिस्पेक्ट में फट से, तो वेट ऑफ जिंक निकालना है हमको रिस्पेक्ट में एजी के, तो वही हो जाएगा वेट ऑफ जिंक इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ एजी इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक बाय आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ एजी, सेकंड लॉ से यूज हो रहा था, वेट ऑफ कितना निकला है एजी, सिल्वर कितना मिला है, सॉरी यहाँ पे 1.45, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक कितना होता है नहीं मालूम है, तो 65.3 इसका एटॉमिक वेट होता है, वैलेंसी 2 होता है जिंक का, और एजी का इक्विवेलेंट वेट 108, आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहां से वेट ऑफ जिंक कितना मिल जाएगा, देखिए 0.437 ग्राम निकल गया इस क्वेश्चन में, तीन पार्ट। चलिए एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, देखिए ये प्योरली इलेक्ट्रोलाइसिस मैकेनिज्म पर आधारित है, याद होगा पहला लेक्चर में ही हमने आपको अरेनियस का इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन थ्योरी बताया था, और उसमें बताया था कि जब हम किसी सॉल्यूशन में करंट को पास करके इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोड पे कौन सा आयन डिपोजिट होगा, इसके लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल का मैकेनिज्म को याद होगा, प्रिफरेंशियल थ्योरी, नहीं हुआ तो आप एक बार लिंक पे जाकर के फर्स्ट लेक्चर को फिर से देख लीजिएगा कि कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, किसका होता है। ये क्वेश्चन उसी पे आधारित है, 3.18 प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें दो तीन क्वेश्चन है, अगर हम एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, कौन सा सॉल्यूशन है बेटा आपके पास, AgNO3 विथ सिल्वर इलेक्ट्रोड, यानी आपने क्या किया, ये लिया सॉल्यूशन किसका, AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब आप जानते हैं इसमें Ag का आयन तो होगा ही और साथ ही साथ वाटर भी आयन में टूटता है, आप थोड़ा सा याद कीजिए पीछे वाले क्लास के, इसमें कौन कौन आयन, देखिए H प्लस आयन है, Ag प्लस आयन है, OH माइनस आयन है, नाइट्रेट आयन है, अब कह रहा है कि इसमें हम लोग Ag इलेक्ट्रोड को डुबा दिया, इलेक्ट्रोड बेटा कौन यूज किया है, सिल्वर, कौन सा इलेक्ट्रोड यूज किया आपने, सिल्वर इलेक्ट्रोड को, तो इसमें प्लस माइनस से जोड़ दिया, और ये भी Ag का एनोड है और Ag का ही कैथोड है, ओके Ag का ही एनोड है, जैसे करंट पास होगा, तो देखिए अब ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट केस है, केस क्या है, यदि हम इलेक्ट्रोड उसी एलिमेंट का लेते हैं, सुन लिए, यदि हम इलेक्ट्रोड उसी एलिमेंट का लेते हैं जिसका आयन इसमें है, देखिए एजी आयन है और इलेक्ट्रोड भी एजी का लिया, तो उस परिस्थिति में एनोड खुद रिएक्शन में भाग ले लेगा, एनोड खुद रिएक्शन में भाग ले लेगा, तो ये आप नोट में यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रख लीजिए कि इफ इलेक्ट्रोड इज ऑफ द नेचर ऑफ आयंस प्रेजेंट इनटू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जो आयन है उसी का इलेक्ट्रोड हो, देन एनोड इटसेल्फ टेक पार्ट इन इलेक्ट्रोलाइसिस, खुद भाग लेगा एनोड, कैथोड नहीं, नॉट कैथोड, ओके okay? ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें केस क्या बना है, देखिए एजी प्लस आयन है और एजी का इलेक्ट्रोड है, यानी उसी का आयन है जिसका इलेक्ट्रोड है, उसी का आयन है जिसका इलेक्ट्रोड है, इसमें कौन सा केस होगा, एनोड खुद भाग लेगा, एनोड क्या लेगा, खुद भाग देगा, ओके okay? अब एनोड खुद भाग, अब इस केस में एट एनोड होगा तो ऑक्सीडेशन, क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन किसका होगा, इसका ना होकर के इस एजी का होगा, देखिए इलेक्ट्रोड का एजी सॉलिड है, ये फट से एजी प्लस ये चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो प्रोडक्ट क्या बन गया, देखिए एनोड खुद नीचे आ रहा है एजी बन करके, ओके, और एट कैथोड क्या होगा,
कैथोड पे तो फिर वही बात होगा, रिडक्शन ही होगा। किसका होगा? तो कैथोड पे रिडक्शन होगा, देखिए इसी एजी का, ये एजी का क्या होगा, यही एजी आयन इलेक्ट्रॉन लेकर के एजी बन जाएगा। तो देखिए एजी एटम का ऑक्सीडेशन हुआ और एजी आयन का रिडक्शन हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसमें दूसरा केस कहता है कि यदि हम AgNO3 का ही सॉल्यूशन लें और अब इसमें हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड डुबा दें। पहले वाला केस क्या था, यदि हम सिल्वर इलेक्ट्रोड डुबा दें, अब कह रहा नहीं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड डुबा दें। तो प्लेटिनम आप जानते हैं नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड होता है, ये रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, पढ़ चुके हैं। तो यहां बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कहेंगे कि प्लेटिनम इज ए नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड, यानी इनर्ट इलेक्ट्रोड, ये रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। तो इस केस में क्या होगा, एट एनोड होगा तो ऑक्सीडेशन ही, लेकिन किसका होगा, देखिए OH है और नाइट्रेट है, देखिए OH है तो आपको पता होगा डिस्चार्ज पोटेंशियल OH का कम होता है और नाइट्रेट का, क्योंकि जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वही इलेक्ट्रोड पे डिपोजिट होगा। और हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा प्रीवियस लेक्चर जो होगा पार्ट ए का 3 नंबर, उसमें नीचे में हम कुछ एनायन का डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑर्डर दिया था, तो नाइट्रेट का ज्यादा होता है और हाइड्रोक्साइड, इसीलिए एनोड पे कौन चला जाएगा, हाइड्रोक्साइड चला जाएगा। और ये देखिए H2O प्लस O2 प्लस इलेक्ट्रॉन, ये देखिए तो बताइए एनोड पे क्या मिल गया, एनोड पे O2 मिल गया जब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेंगे। और कैथोड पे क्या मिलेगा, तो एट कैथोड, कैथोड पे होगा रिडक्शन, इलेक्ट्रोड तो भाग नहीं लेगा, कैथोड पे होगा रिडक्शन, किसका रिडक्शन होगा, तो डीपी देखिए आपको याद होगा एजी प्लस का कम होता है और डीपी एच प्लस का ज्यादा होता है, तो अब एजी प्लस यहां चला जाएगा, यानी एजी प्लस आयन इलेक्ट्रॉन लेकर के एजी डिपोजिट हो जाएगा, तो इस पे एजी आएगा और इस पे O2 गैस आएगा। दूसरा केस भी कंप्लीट, ओके। अब देखिए इस तीसरा केस में, इसी क्वेश्चन में तीसरा केस दिया है, इलेक्ट्रोलाइसिस मैकेनिज्म को बताना आपको, ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, मतलब सॉल्यूशन आपने क्या ले लिया H2SO4 राइट, और इसमें डाल दिया इनर्ट इलेक्ट्रोड यानी प्लेटिनम का, क्या आपने डाला है प्लेटिनम, और आपने पहले ही पढ़ लिया प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड है, रिएक्शन भाग नहीं लेगा। तो इस केस में भी क्या होगा, सॉल्यूशन में क्या क्या आयन है, देखिए तो इसमें एच प्लस आयन है और इसमें सल्फेट आयन है और इसमें हाइड्रोक्साइड आयन है, यही है। तो देखिए एट एनोड होगा क्या, ऑक्सीडेशन ही होगा, किसका होगा, जिसका डीपी कम होगा, तो डीपी देखिए OH आयन का कम होता है और डीपी जो है वो सल्फेट आयन का ज्यादा होता है। फिर हम आपको लिंक में रिफरेंस दिए हुए हैं सेकंड लेक्चर जो देखिएगा पार्ट ए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट ए में, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा ये ऑर्डर दिया हुआ है, देख लीजिएगा ठीक है। सल्फेट -2, तो जाहिर सी बात है इस पे कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा एनोड पे, तो OH क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होकर क्या देगा, देखिए OH जब भी ऑक्सीडाइज होता है वाटर का तो ये O2 गैस देता है, क्या देता है बेटा O2 गैस, ये हो गया। तो बताइए एनोड पे क्या मिल गया, O2 गैस का, जब डाइल्यूट H2SO4 का आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे प्लेटिनम लेकर के। और कैथोड पे क्या मिलेगा, तो एट कैथोड होगा तो रिडक्शन, रिडक्शन ही होगा लेकिन किसका होगा, तो अब देखिए H प्लस ही है इसमें तो कोई है नहीं, तो H प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर के फट से क्या होगा H2 गैस बन जाएगा। तो यहां मिला H2, यहां मिला O2, इस केस में एनोड पे O2 मिलेगा और H2। थर्ड केस भी क्लियर, अब देखिए इसी क्वेश्चन में चौथा केस इलेक्ट्रोलाइसिस का, और इलेक्ट्रोलाइसिस चौथा क्या होता है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड क्यूप्रिक क्लोराइड, देखिए CuCl2 विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, यानी अब हम क्यूप्रस क्लोराइड सॉरी क्यूप्रिक क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन में क्या है, CuCl2, तो ये Cu+2 देगा और ये देगा, और वाटर का H+ भी है और OH भी है, प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोड खुद भाग नहीं लेगा, जब भी इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है तो इलेक्ट्रोड खुद भाग नहीं लेता है। तो फट से कहेंगे एट एनोड होगा ऑक्सीडेशन, किसका होगा बच्चे, तो ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे जाएगा कौन, OH और क्लोराइड, लेकिन आपको पता है डिस्चार्ज पोटेंशियल क्लोराइड का कम होता है और डिस्चार्ज पोटेंशियल हाइड्रोक्साइड का ज्यादा होता है, इसीलिए फट से क्लोराइड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा Cl2 गैस और साथ में एनोड पे, तो एनोड पे बच्चे क्या मिल गया, Cl2 गैस मिल गया, ओके। लेकिन कैथोड पे क्या होगा, तो सर कैथोड पे तो फिक्स होता है क्या, रिडक्शन ही होगा, किसका होगा भाई, तो जिसका डीपी कम होगा, तो आप देखिए इसमें कैटायन कौन कौन है, कॉपर +2 आयन है और डीपी अगर हम देखें H+ आयन का, तो कॉपर +2 का कम होता है, इसीलिए कैथोड पे कॉपर +2 दो इलेक्ट्रॉन को लेकर के कॉपर, इस पे कॉपर मिल जाएगा, इस पे Cl2 गैस मिल जाएगा। तो कॉपर कहां पे मिला आपको,
कॉपर कहां पे मिला? कैथोड पे, और एनोड पे क्या मिल गया? सीएल टू गैस। ओके, तो अब आप देखिए, मैंने उन सारे सवाल को एनसीईआरटी के क्वेश्चन से कवर कर लिया, थोड़ा सा जल्दी किए क्योंकि टाइम कम होता है, आप बार बार इसको पॉज करके देखते रहिए और फिर उसको कीजिए। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन जो फराडे लॉ पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोलाइसिस मैकेनिज्म पे बेस्ड है, यानी यूं कहिए पार्ट ए में जो मैंने वीडियो लेक्चर दिया है उस पे आधारित सारे सवाल एनसीईआरटी का क्वेश्चन बुक को हमने इस सेशन में कंप्लीट कर दिया। एक सेशन हम इसी पे और लेंगे आपको, जिसमें हम आईआईटी में प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे इसी टॉपिक पे। थैंक यू बच्चे, इसको बार बार देखिए और थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए और फिर कोशिश कीजिए लाइक भी दीजिए। थैंक यू।